तो अपने कार को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदाने और अपने कार का यूज करके एक सबमरीन को उड़ाने के बाद डॉम भैया इज बैक अगेन विद हिज फैमिली। तो ये मूवी शुरू होती है एक फ्लैशबैक सीक्वेंस से जहाँ पे एक रेस चल रही है। ये रेस जिंदगी की रेस है, उस रेस का सिकंदर मैं। अबे ये वाली नहीं। तो ये बात है 1989 की जहाँ पे डोमिनिक टोरेटो का बाप रेस लड़ रहा है और डॉम और उसका छोटा भाई जेकब अपने बाप की मदद कर रहे हैं। ताकत हमेशा काम नहीं आती पर दिमाग हमेशा काम आता है। हाँ, और जो इस टकले के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। He has only one thing and that's family. I don't have friends. I got family. और इस रेस के बीच में टॉर्नेडो ब्रदर्स का बाप क्रैश होकर निपट गया। Very sad. Now coming back to present time. डॉम अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में रह रहा है और उसी वक्त रोमन ने एंट्री मारा, मतलब अपना कलुआ। रोमन, ये रूप का राजा धूप में घूम के और चिकना हो गया, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। और अपने साथ बाकी पंटर लोगों को भी लेकर आया है और डॉम समझ गया कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। लगता है बात कुछ गंभीर है। तो ये पंटर लोग ने डॉम को मिस्टर नोबडी का मैसेज सुनाया। सिर्फ हमें ही क्यों? बिकॉज यू गाइस आर फैमिली। तो डॉम और उसकी फैमिली का मिशन है इस परकटी को पकड़ना जिसका नाम है साइफर और साथ ही मिस्टर नोबडी को ढूंढना। और इस मिशन के लिए डॉम भैया ने तो मना कर दिया और कहा हालात बदलते हैं पर फैमिली नहीं। A few moments later, ब्रायन और मिया ने माँ बाप बनते ही ये सब छोड़ दिया। हम उनसे अलग हैं। हाँ, क्योंकि तुम उन लोगों से भी बड़े चूतिये हो। और डॉम चचा की लुगाई तो निकल पड़ी मिशन पे। और जब डॉम चचा ने नोबडी का वीडियो देखा उसमें उन्हें सेम लॉकेट दिखा जो उनके बाप ने दिया था। मिया इज डॉम। फिर डॉम चचा ने अपनी बहन मिया खलीफा को कॉल किया। अबे साले, हर मिया नाम की लड़की मिया खलीफा नहीं होती। सॉरी, मिया टोरिटो। ताकि वो उसके बेटे को संभाल सके। और अब डॉम भैया भी अपनी फैमिली के साथ मिशन पर आ चुके हैं। तो अब डॉम और उनकी फैमिली आ चुकी है मोंटी क्विंटो मिस्टर नोबडी को ढूंढने, जहाँ पे इन्हें कुछ मिला और उसके बाद मिलिट्री आ गई। Run. फिर ये सभी लोग भागे यहाँ से जहाँ जंगल के रास्ते में माइंस बिछी हुई हैं और धमाके होना शुरू हो गए। And here comes the John Cena. Just from back. गाड़ी के पिछवाड़े में आग लगी है। इतने धमाके के बाद भी साला कलुआ बच गया। तू जिंदा कैसे निकला? और यहाँ आगे डॉम की लुगाई को धूम मचाने का शौक चल रहा था, उसी चक्कर में उसके लौड़े लग गए। फिर डॉम ने उसे बचा लिया, जिसका फायदा उठा के वो डिवाइस जॉन सीना ने उठा लिया। फिर डॉम भैया जॉन सीना का पीछा करने में लग गए और वहीं आगे कलुआ एंड गैंग ने तो ब्रिज क्रॉस कर लिया बॉर्डर पार जाने के लिए और जॉन सीना भी अपनी कार को प्लेन में अटैच करके भाग गया। भाईसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जिसे देख के डॉम चचा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर डॉम चचा ने सोचा चलो मैं भी कुछ तूफानी करता हूँ और लकड़ी के फट्टे पे कार अटकाई और निकल लिए। मतलब फिजिक्स की तो माँ का, ये तो कुछ नया स्टंट था। गाड़ी फटी की नहीं फटी। अभी ये जेकब कौन है? He is fucking John Cena. You can't see him. Now again, back story time. जहाँ पे डॉम ने उस रेसर को पेल दिया जिसके कारण उसका बाप मरा था और इसकी वजह से डॉम को जेल हो गई। अगेन बैक टू प्रेजेंट टाइम जहाँ पे साइफर तो जिंदा है और जॉन सीना ने उसे पकड़ रखा है। व्हाट अ ट्विस्ट। कुछ याद आया? और जॉन सीना चाहता है कि साइफर इस डिवाइस का दूसरा पार्ट उसे ढूंढ कर दे और ये लो दूसरा पार्ट तो मिल भी गया, बहुत जल्दी हो गया यार। और डॉम और उसकी फैमिली मिस्टर नोबडी के सीक्रेट अड्डे पर आए हुए जहाँ पे डॉम की बहन मिस मिया टोरिटो भी आ चुकी है। फिलहाल मेरी और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। ब्रायन के पास, जिसका मतलब पॉल वॉकर के पास। Cause he is dead in real life, not in this movie. We miss you, buddy. Project Ares. फिर इस हैकर लड़की ने सभी लोगों को प्रोजेक्ट एरिस के बारे में बताया। एरिस को ऐसे बनाया गया है कि कोर्ट पर चलने वाली हर चीज पर हावी हो सके। तो उन दोनों टुकड़ों को यूज करके वो लोग दुनिया में किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। और वो दोनों किसी काम के लिए बिना एक्टिवेशन की। और उन दोनों टुकड़ों को यूज करने के लिए की जरूरत है। दिल थाम के बैठो, कहीं झटका ना लग जाए। जो किससे जुड़ी है? हान से। ये भोसड़ी का 6 पिक्चर पहले मर चुका था। नाउ अगेन इन पास्ट अपन लियो है सैंटोस डॉम के नए दोस्त बने। ओ,
ये सुनकर डॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसे समझ आया कि उसके बाप की कार कैसे फटी थी। फिर डॉम जेल से निकलकर अपने भाई जेकब से मिला जो रेसिंग हीरो बन चुका है, और डॉम ने उसके सामने एक शर्त रखी। तो शर्त कुछ ऐसी है, तू जीता तो तू घर लौट आएगा, तू हारा तो तू ड्राइव करता रहेगा और लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। और रेस शुरू 12 seconds later. और एज यूजुअल डॉम चाचा रेस जीत गए और जेकब को यहाँ से जाना पड़ा। सैड मोमेंट। नाउ अगेन कमिंग बैक टू प्रेजेंट टाइम, डॉम चाचा अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। मुझे जेकब की तलाश है। तो भोसड़े के अपुन क्या उसकी आया है, जो अपुन को मालूम होगा। फिर भी इस बुड्ढे ने डॉम को उसके भाई की लोकेशन दे दी। वो लंदन में है। और यहाँ टोक्यो में डॉम की लुगाई और उसकी बहन मिया हान को ढूंढने आए हैं, जहाँ इन्हें झाट कुछ नहीं मिला। Let's get out of here. और वहीं दूसरी तरफ तेज और रोमन मतलब अपना कलुआ इस जगह पर आए हुए हैं, जहाँ इन थ्री इडियट्स ने कार में रॉकेट ही लगा दिया। बहन चो कुछ भी रुको जरा सबर करो। हालत भी उसकी एकदम। सीरियसली डॉम मेरा भाई जरूर है, पर तुम हमेशा मेरी बहन रहोगे। कोई सेंस है इस बात की? और यहाँ लंदन में ये बुढ़िया नेकलेस चुरा के भाग रही थी, तभी डॉम की इससे मुलाकात हुई। डोमिनिक टोरेटो साथ चल रही मेरे? और वहाँ की पुलिस इस बुढ़िया के पीछे पड़ गई और डॉम भी चला गया इसके साथ। पर बुढ़िया ने तो उसे धोखा दे दिया और जॉन सीना के पास छोड़ाई। यहाँ पे ये ऑटो चूतिया भी आया हुआ है और ये भी सुनियों की तरह अपनी रईसी दिखा रहा है। पर तुम्हें बता दूं, मेरा डैड सुपर अमीर है और मैं आम अमीरों की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, पर डॉम कोई नोबिता थोड़ी है। कहाँ है जेकब? अंदर है। और अंदर डॉम जब अपने भाई जेकब से मिला तो उसने उसे सेम ऑफर दिया जो डॉम ने उसे सालों पहले दिया था। चले जाओ इसी वक्त, ड्राइव करते रहना और वापस लौट के बताना। 12 seconds later. और उसी वक्त ऑटो के इंटरपोल वाले लोग डॉम को उठाकर ले गए, पर इंटरपोल की गाड़ी में तो डॉम की एक दोस्त निकली। Well done, Lisa. उसने डॉम को बचा लिया। तुझे शायद इसकी जरूरत पड़े। और उसने जेकब की एक गन दी जिसमें उसके बायोमेट्रिक्स थे। और यहाँ टोक्यो में इन दोनों चिंकी मिंकी उनको एक फोटो मिला और उतने में ही कुछ मुस्टंडो ने आके इन्हें पेलना शुरू कर दिया, जिनसे बचाने के लिए चाइनीज अचानक से आ गई। और उसके बाद हान ने सरप्राइज एंट्री मारी और इन मुस्टंडो को पट्टे से हेडशॉट मारकर इन दोनों चिंकी मिकी को बचा लिया। बेंचो इस पिक्चर में सब लोग के वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, साला लोकेशन ही खत्म नहीं हो रही है इनकी। जहाँ पे डॉम की पूरी टीम आ चुकी है और यहाँ पे ऑटो ने हैकिंग करके सारी मशीनें और कैमरा बंद कर दिए। बहुत बड़ा पंगा है, आसपास के सारे कैमरे ठप हो रहे हैं और मेरी मशीन खराब हो रही है। और इसी का फायदा उठाकर जेकब ने वो पीस चुरा लिया। और यहाँ पे स्कलुए को एक ट्रक मिला जिसके अंदर एक मैग्नेट था और उस ट्रक को चलाने के लिए अपनी हैकर गर्ल उसमें घुस गई और फिर वो ऑटो के पीछे और डॉम जेकब के पीछे। Too much fun. और जॉन सीना को पकड़ लिया और इन दोनों में पेला पेली शुरू। और जॉन सीना का पीछा करते करते डॉम अपनी टीम तक पहुंच गया और अब एक चेस सीन शुरू। फिर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फकिंग सीन जिसमें उन्होंने उस मैग्नेट से जॉन सीना की कार को ही खींच लिया पहले और जॉन सीना को अपने सीक्रेट अड्डे पर ले आए। फिर हान भी यहाँ आ गया और हान और डॉम भैया का भारत मिलाप होते हुए और ये सब देखकर जॉन सीना की गांड जल गई कि तू अब तक जिंदा कैसे? और ये पाजी इसलिए जिंदा है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फैमिली। फिर हान ने अपनी पास्ट की कहानी सुनाते हुए बताया कि वो कैसे मिस्टर नोबडी से मिला और उन्होंने उसे एक चोरी करने को कहा एक साइंटिस्ट के घर पे। मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक साइंटिस्ट कपल के घर से कुछ सामान चुरा। और उसने वहाँ से चोरी तो कर ली पर उसके साथ साथ बच्ची को भी फ्री में ले आया क्योंकि साइंटिस्ट और उसकी बीवी तो मर चुके थे। इसीलिए हान ने इस बच्ची को बचा लिया क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू नो फैमिली। वो जानते थे मैं सबके निशाने पर रहूंगी। सबके निशाने पर रहूंगी क्योंकि यही है वो की। और यही चीनी लड़की उस प्रोजेक्ट एरिस की चाबी है। वाओ मैन व्हाट अ ट्विस्ट। और अपनी कहानी कंटिन्यू करते हुए हान ने बताया कि कैसे मिस्टर नोबडी ने उसकी मौत का नकली नाटक रचा। वो पुरसा की पुरसा। एंड ऑटो इज बैक विद देयर गैंग। तुम कभी दुराट और नॉन के लाइक नहीं थे। बिकॉज हिज नेम इज जॉन सी। फिर जॉन सीना इनके बाप की बैक स्टोरी सुनाई कि कैसे ये लोग कर्ज में डूब रहे थे। हम कर्ज में डूबे थे। जेकब तेरी गांड फाड़ के रख दूंगा साले, देख लियो। फिर डॉम भैया ने उन मुस्टंडो को पेला और लड़ते लड़ते पानी में गिर गए।
फिर एक और बैक स्टोरी वाला सीन आया, फैमिली वाला। बिल्कुल एक परिवार की तरह डॉम। तो ये फैमिली वाला डायलॉग इनके बाप का था, अब समझ आई सारी फसाद की जड़। उसके बाद डॉम भैया की आंखें खुली तो उनकी लुगाई ने उन्हें बचा लिया था। खतरों के खिलाड़ी जो है। ये सब होने के बाद ये लोग प्रोजेक्ट एरिस को खत्म करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं, यानी कि स्पेस में, और स्पेस में जाकर उस सैटेलाइट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कुछ भी ऊपर रॉकेट लगा के उड़ेंगे। सही कहा तुमने, यही तो करने वाले हैं। सब चुतिया गए यहाँ बहन चो। यहाँ तबलीसी में, जो भी नाम है इस जगह का, यहाँ पे जॉन सीना ने उस रॉकेट को लॉन्च किया और प्रोजेक्ट एरिस को स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर कलुआ और उसकी गैंग अपनी जेट कार को आसमान में ले आए हैं। और यहाँ पे जॉन सीना और उसकी गैंग पूरी फौज लेकर निकल चुकी है सिटी में। एंड हियर कम्स टॉम और उसकी फैमिली। तेज और कलुआ तो स्पेस में पहुंच गए उनकी कार लेकर। और यहाँ एक चेस सीन शुरू हो चुका है, और डॉम भैया ने तो अपनी कार को ही मैग्नेट बना दिया। What a genius this man is. And Dom is not alone. उसकी लुगाई और हान दोनों ने ही अपनी कार को मैग्नेट बना लिया है, जिसका यूज करके हान इस टैंक में घुस गया और अपनी चीनी गोद ली हुई बेटी को बचा लिया। और यहाँ इस मूवी ने एक और ट्विस्ट फेंक के मारा, जिसमें ऑटो और साइफर तो मिले हुए थे। चल रहा है ऑटो, बढ़िया चल रहा है। मुझे एक नई बिजनेस पार्टनर मिली। देखो मैं आजाद हो गई जेकब। और जॉन सीना का तो चूतिया कट गया। जिसके बाद इस सांड ने जॉन सीना को बहुत पेला। साले जॉन सीना, अब तेरी रेसलिंग स्किल्स कहाँ गई? और ये सब देखकर डॉम ने अपने भाई को बचा लिया, और मिया टोरेटो ने अपने भाई का हाथ थामा और उसे अपनी कार में बिठा दिया, और अपने करण अर्जुन की नजरें मिलती हुई। फिर डॉम और उसकी फैमिली ने ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। और डॉम भैया ने सोचा कि क्यों ना अपने मैग्नेट्स का यूज करके इस ट्रक को पलट दें। अगर धीमा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो इसे पलट देंगे। डॉम, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। मैं पहुंच सकता हूं। एंड फाइनली जॉन सीना का हृदय परिवर्तन हो गया, एंड नाउ ही इज द पार्ट ऑफ द फैमिली। और इन दोनों करण अर्जुन ने मिलकर उस ट्रक को पलट दिया। और भाई लोग इधर स्पेस में तो अपने कलुए और तेज के तो एल लग चुके हैं। अगर मरना ही है तो क्यों ना ऐसे मरे। जिसके बाद अपने कलुए ने एक सैड स्पीच देखकर कहा कि क्यों ना अपनी कार को सैटेलाइट में ठोक देते हैं, और सैटेलाइट को अपनी जेट कार से उड़ा दिया, और मिशन सक्सेसफुल। जिसके बाद ये साइफर भी प्लेन लेकर आ गई, और डॉम भैया ने अपनी सुपर पावर्स का यूज करके कैसे गिरते हुए ट्रक को सीधा कर दिया। मतलब फैमिली में पावर तो बहुत है भाई। और ये ऑटो अभी तक जिंदा है इसी ट्रक में। फिर साइफर ने ट्रक उड़ा दिया, और डॉम भैया को देखो, उन्होंने उसी ट्रक से उस प्लेन को उड़ा दिया। मतलब फिजिक्स की तो माँ की। रुको जरा, सबर करो। साइफर अभी मरी नहीं है, वो तो यहाँ बैठे बैठे प्लेन को कंट्रोल कर रही थी। अब नेक्स्ट मूवी के लिए भी तो कोई विलन चाहिए ना, ऐसे कैसे मार देते साइफर को। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, ये दोबारा मत होने देना। बस फिर ये भाई बहन की प्यारी प्यारी बातें हुई, और डॉम भैया ने अपनी कार जॉन सीना को दे दी, और वो निकल गया। वन लास्ट टाइम एक और फ्लैशबैक सीन। हम एक परिवार। बस फिर मेल मिलाप होते हुए टोक्यो ड्रिफ्ट वाला अपने हान से मिला, और अपनी फैमिली का रीयूनियन हुआ। रुक जा, एक शख्स का इंतजार है मुझे। और फिर पॉल वॉकर के लिए ट्रिब्यूट वाला सीन। That's it, Fast and Furious 9. रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देख लो। Shaw is here, Mr. टकला। Hello, motherfucker. हान टकले से आकर मिला, बस हो गई मूवी खत्म। तो आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हो, तो बताओ ये वीडियो कैसा लगा। और उसी के साथ मैंने थॉर और अंटमैन जैसी मूवीज पे भी रिकैप बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। एंड बाय बाय।